ये किताब है हमारे सामने, ठीक है। अगर मुझे इसको से नापना है कि कितनी लंबी कितनी चौड़ी है, तो इसको कैसे नापा जाएगा? टेप से नापा जाएगा। टेप का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? उस पर नंबर लिखे रहते। कौन से नंबर लिखे हुए रहते उसके ऊपर? हाँ, गिनती नंबर एक ही है। तो क्या लिखा था उसके ऊपर? मीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ था। अब ये क्या है, मीटर और सेंटीमीटर क्या है? तो मुझे एक बात बता दूं, तुम बोल रहे टेप से हम लोग नापते, तो टेप का इस्तेमाल क्यों जरूरी है? किससे नाप सकते अपना टेप? तो स्केल और टेप एक ही है। अब तुम बोल रहे हाथ से नाप सकते, ठीक है। अब देखो मैं मेरे हाथ से नापता हूँ, ठीक है। अपन एक काम करेंगे, इससे नापेंगे जो ब्लास है ना, ठीक है। अभी मैंने नापा, मेरे हाथ से कितना आया ये? एक ब्लास, ठीक है। अभी फुरकान नापेगा, फुरकान नाप, पूरा नापना है, कितने ब्लास आ रहे तेरे? यहाँ से शुरू कर, यहाँ से शुरू कर, एक ब्लास और आगे कितना आ रहा है? और यहाँ से ले आगे, मुझे आ गया, और यहाँ से और आधा आ रहा, तुम मुझे बोला एक बिल्लास और आगे और चार बोट आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हमको किसी को बोलना रहा, अगर किसी ने पूछा कि किताब की लंबाई कितनी, तो मैंने मोजा, मेरे हाथ से कितना आया, तो मैं क्या बोलूंगा? इसने मोजा, इससे कितना आया? तो अगर हम दोनों बोलेंगे कि भाई मैं बोलूंगा एक, रे बोलेगा डेढ़, तो जो सुनने वाला है उसको क्या लगेगा, एक बिल्लास की है कि डेढ़ बिल्लास की? क्यों? क्योंकि हमारे बिल्लास छोटे, मेरा बिल्लास क्या है? बड़ा, और इसका छोटा, ठीक है। ये हो गया। अब तो ये जो है मसला क्या है कि ये गलत हो रहा है। फिर मैं ये बोलेगा डेढ़, मैं बोलूंगा एक, सुनने वाले को क्या लगेगा कि एक है कि डेढ़ है, तो कंफर्म नहीं हो रहा, मतलब ऐसा फिक्स नहीं हो रहा कि अभी क्या है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टेप का इस्तेमाल करते हैं। फुरकान भी नापेगा तो उतना ही आएगा, मैं भी नापूंगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। अरे हम टेप से नाप के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में टेप है, अभी टेप से हम लोग उसको नापे, तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, तो यहाँ तक आता है, तो ये कितने सेंटीमीटर का? हाँ, चौबीस सेंटीमीटर का, चौबीस का नहीं, पच्चीस सेंटीमीटर का आ रहा है। मैंने नापा तो कितने सेंटीमीटर का आ रहा है? फुरकान नापेगा तो कितना आएगा? पच्चीस, ऊपर से ले रहे, फुरकान ने नापा तो भी 25 इंच का, 25 सेंटीमीटर का आ रहा है। कोई भी नापे इस टेप से, जो इसकी लंबाई है किताब की, वही रहेगी, है ना, चेंज नहीं आएगा। तो हम इसीलिए टेप और ये जो चीजें होती है सेंटीमीटर और मीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या, क्यों? ठीक है, फिक्स रहना चाहिए, कोई भी नापे तो एक ही पैमाइश रहना चाहिए, ठीक है। तो वरना कोई ऐसे हाथ से नापेगा, कोई बिल्ला से नापेगा, चलो ठीक, समझो ये टेप नहीं है, ये रस्सी है, तो इसको रस्सी की मदद से नापेंगे अगर हम, ठीक है, इसको रस्सी की मदद से नापेंगे हम। तो अब मैं बोलूंगा कि रस्सी की मदद से मैं नापा, इतनी रस्सी है, तो अलग अलग इंसान अलग अलग रस्सी ले सकते हैं, है ना, तो उसमें माप हमारा याद रहेगा कि हमको रस्सी, रस्सी के हम लोग टुकड़े कर सकते हैं, बराबर। अगर हम लोग ऐसे इतने टुकड़े किए रस्सी के, तो अब उसको हमको बार बार ऐसे आगे आगे मुझना होगा, ठीक है। अगर समझो तुमने एक रस्सी का टुकड़ा किया, इतना टुकड़ा तुम्हारे पास रस्सी का, समझो इतना टुकड़ा, अब बयास तुम्हारी आधे में आ रही, तो फिर तुम क्या बोलेंगे, समझो इतना बड़ा रस्सी का टुकड़ा है, अब बयास यहां तक आ गई, तो फिर तुम क्या बोलेंगे, अब रस्सी तुम्हारी इतनी बड़ी है, अब तुम क्या बोलेंगे, पैमाइश कैसा बताएंगे तुम, बताओ मुझे, रस्सी तुम्हारी इतनी बड़ी है पूरी, और जो हमारी किताब की जो चौड़ाई है इतनी आ रही है, तुम क्या बताएंगे? रस्सी पे तो नंबर होते नहीं है ना, हम क्या बोलेंगे, भाई इतनी रस्सी आई है ना। तो ये मतलब क्या होता है कि हर किसी को समझ में आना चाहिए। मैं तुमको बोलूं कि भाई इतने 25 की इंच की आए, 25 सेंटीमीटर की आए, तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा 25। अब क्या होता है कि जो हमारे टेप होते हैं ये हर जगह एक जैसे होते हैं, किसी के पास भी जाओ तो सबके पास में एक जैसे होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से फोन पे बोल दिया किसी को कि हाँ 25 सेंटीमीटर की किताब लेके आना, तो वहां पर वो उसका टेप निकालेगा, 25 सेंटीमीटर मुझेगा, भाई लो 25 सेंटीमीटर की किताब आप लेके जाओ, वो यहाँ पर आएंगी तो भी कितने सेंटीमीटर की रहेंगी, 25। तो चीजों को मोजने के लिए क्या होती है, इकाई होती है, और उस इकाई का क्या नाम बोलते हैं हम लोग, उस इकाई को क्या बोलते हैं, टेप। तो जरिया है, असल इकाई इकाई क्या है, जो भी हम लोग बोल रहे थे मीटर और सेंटीमीटर, ये क्या है, इकाई। इकाई। अब सेंटीमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, इतना सा होता है,
मेरे हाथ में दिख रहा उंगली, सेंटीमीटर कितना होता है? इतना सा होता है। अगर मैं तुमको बोलू कि अभी जो बयास है सेंटीमीटर में नापेगी, ठीक है, अब मैं तुमको बोलूंगा कि इस घर की दीवार को तुम नापो, तो तुमको फिर सेंटीमीटर में नाप पाओगे तुम? ठीक है, तो सेंटीमीटर कितने कितने रहते? इतने इतने रहते। अब उसको नापने के लिए हमको बड़ी पैमाइश चाहिए, मतलब सेंटीमीटर बोझेंगे ऐसे धीरे धीरे बोझना पड़ेगा। बट अगर हम लोग बड़ी बड़ा पैमाना लेंगे, बड़ी इकाई लेंगे, तो वो क्या रहेगी? सेंटीमीटर से बड़ी इकाई आती, क्या आती? मीटर। सेंटीमीटर से बड़ी इकाई क्या रहती? मीटर। जैसे कि सेंटीमीटर हमने इसको नापने के लिए इस्तेमाल किया, हम लोग मीटर इसको इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर। तो अब देखो, याद रखना मेरी बात, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं। कितने? 100, है ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते। तो याद रखना, अगर हम 100 सेंटीमीटर की एक चीज ले तो कितने मीटर हो जाती? एक मीटर हो जाती, है ना, एक मीटर यानी 100 सेंटीमीटर।